दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में होने वाली पहले T20 मुकाबले में भारत जीते, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है मात्र 500 लाइक्स, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चार मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को 3-1 से पटकने के बाद अब भारत की निगाहें T20 श्रृंखला पर है। टेस्ट सीरीज में भले ही इंग्लैंड ने घुटने टेक दिए हों, लेकिन T20 क्रिकेट में मुकाबला टक्कर का होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन T20 का बेहतर कप्तान है? इस बात का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इसके साथ ही रंग बदलने से इंग्लैंड की किस्मत भी बदल सकती है। कप्तान इयान मॉर्गन के टीम में जुड़ने से खिलाड़ियों में नया जोश भी आया होगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में 5 मैचों की ये T20 सीरीज बेहद ही लंबी और महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसका पहला मुकाबला 12 मार्च को खेला जाएगा। और भारतीय टीम के सामने इस मैच में बहुत ही बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड दुनिया की नंबर 1 T20 टीम है। बीते कुछ साल से इस फॉर्मेट में उसका प्रदर्शन कातिलाना रहा है, लेकिन जब भारत से टक्कर की बात होती है तो अंग्रेजों का प्रदर्शन दयनीय हो जाता है। जी हाँ, दोनों टीमों के बीच अब तक खेले 14 में से 7 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं, तो इतने ही मुकाबलों में भारत ने भी बाजी मारी है। इसलिए इसके साथ ही अब पहले T20 मुकाबले में दोनों टीमों के पास ये रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा, और भारतीय टीम इस मैच को जीतकर इंग्लैंड से 15 T20 मैचों में 8 मैच जीतकर आगे निकलना चाहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि T20 सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से बने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। सिर्फ पहला मुकाबला ही नहीं, बल्कि पूरी T20 सीरीज भी यहीं होगी। अंतिम 2 टेस्ट मुकाबले भी दुनिया के इसी सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए थे, तब पिच को लेकर जमकर किचकिच हुई थी। ऐसे में क्यूरेटर्स ने फटाफट मुकाबले के लिए किस तरह पिच तैयार की है ये देखना होगा। लेकिन ये क्रिकेट का दूसरा प्रारूप है, जिसमें इंग्लैंड की टीम का प्रदर्शन बहुत ही खतरनाक रहा है, और इंग्लैंड की इस T20 टीम में एक से एक धाकड़ खिलाड़ियों की भरमार है, जिनको ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम मैनेजमेंट को एक बढ़िया प्लेइंग 11 मैदान पर उतारना होगा। दोस्तों, दिन रात मैच होने की वजह से भारतीय समय अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। स्टेडियम में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फैंस को भी अनुमति मिली है, और फैंस की अनुमति के साथ दुनिया के इस सबसे बड़े स्टेडियम की शान और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जब मैदान पर दर्शकों के साथ भारतीय टीम खेलती हुई नजर आएगी। इस मैच के टिकट की कीमतें 500 से लेकर 10,000 हैं, जिन्हें बुक माई शो ऐप से खरीदा जा सकता है। भारतीय सरजमी पर होने वाले सभी मैचों के प्रसारण अधिकार स्टार नेटवर्क्स के पास है। मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 1 HD और स्टार स्पोर्ट्स 3 HD में होगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में फैंस लाइव एक्शन का मजा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को टेस्ट सीरीज में घुटने पर बैठा दिया, उसको ध्यान में रखते हुए ये कहना पूरी तरह से गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम इस T20 श्रृंखला में भी इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह से पछाड़ने वाली है। क्योंकि भारतीय टीम के लिए बेहद ही खुशखबरी की बात यह है कि रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में नजर आ चुके हैं, और उनके साथ ही लगभग 1 साल बाद भारत की T20 टीम में वापसी कर रहे ऋषभ पंत का बल्ला तो इस वक्त आग उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये दोनों ही बल्लेबाज भारत के लिए पहले T20 मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे, तो भारतीय टीम को अलग ही मजबूती मिलेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और इंग्लैंड के पहले T20 मैच में कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।